पे रिवीजन है, रिवीजन जिसको जैसे तुम होता है फोटोग्राफ वाला सिस्टम पूरा बैठ के फोटो खिंचाते हो यहां पे ये टेस्ट देने चले या बस अब ऐसे करते हैं क्योंकि तुम्हारे भाई ने अप्लाई करा था मैं लर्निंग लाइसेंस के लिए, फोर व्हीलर टू व्हीलर सबके लिए एक ही साथ अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ये पीछे मेरे दोस्त भी देखा, देखिए व्लॉगिंग कर रहे हैं, देख लो इन्हें भाई। अच्छा अच्छा व्लॉगर्स हेलो तो कर दो कैमरे पे, हेलो हेलो कर दे भाई लोगों ने। तो अभी हमें जाने हैं अपना वहाँ पे आरटीओ पे जो अपना देहरादून पे है, यहीं सिल्वर सिटी मॉल के आगे, फिर हम जाएंगे बॉलिंग करने। ओ भाई सैंड्रियो चलना है ना पक्का है? अब यार तुम पक्का बोले यार, सेंट्रो बॉलिंग वो बॉल वाला तीन छेद वाला ना, यूं मारे यूं शूटिंग। और गाइस उसके बाद हम वहाँ जाएंगे बॉलिंग खेलेंगे सेंट्रो पे। सबसे पहले मेरे को आरटीओ जाना है, वैसे 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 12 से 1 की मेरी टाइमिंग है अभी। वो एक्चुअली हमारे इशू आ रहे हैं, वो लेट करेंगे थोड़ा सा, तो जैसे ही वो आते हैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। इंटरेस्टिंग का ब्लॉग होगा, बहुत मजा आने वाला है बिना किसी देरी के। जैसे वो आते हैं चलते हैं, खड़े हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? नहीं बनाए ड्राइविंग। गाइस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन नोट्स बनाता है? ये बनाता है तुमने बेटे, कभी नहीं सोचा होगा नोट्स। मैंने सच बताऊं यूट्यूब पे वीडियो देखे, बस मैच छोड़ के देखे। अबे यार नहीं देखे फिर अगर पेलर जब मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं बनाए तो नहीं बनाए, खाली सच नहीं, सच बोल रहा हूँ। यूट्यूब पे मैंने खाली नोट्स बनाए, यूट्यूब पे देख नोट्स नहीं बनाए, मतलब सॉरी खाली मैंने यूट्यूब पे क्या बोल रहा है क्या मैंने बोल आन भाई के कैमरे बोलो बेटे, हिम्मत रखो हिम्मत। सस्ते फोन का आगे नहीं बोलता मैं। अब तो धमाका कर दिया तुमने, शर्म भी नहीं आ रही होगी। गाइस ये फोन है हमारे भाई का आईफोन 16 प्रो मैक्स, 26 प्रो मैक्स, ये 26 प्रो मैक्स। बाकी अभी हम निकल रहे हैं यार, ऋषु भाई लेट कर रहे हैं, एक तो आए नहीं तब से, जल्दी निकलना है। फाइनली ऋषु भाई आ चुके हैं, लोगों को सबसे पहले इस बंदे ने सबसे ज्यादा लेट कर दिया, 12:05 ही बचा दिया, 12 बजे की मेरी टाइमिंग थी बेटे। अगर आज मेरा टेस्ट नहीं हुआ ना तो मैं आज बता रहा। तो गाइस सबसे पहले हमें जाना है आरटीओ में, उसका अलग ब्लॉग डालूंगा, और सेंटर में बॉलिंग खेलने जाना है उसका अलग ब्लॉग डालूंगा। दोनों ब्लॉग चेक मारना, बहुत मजा आएगा आज पे। सबसे पहले जा रहा हूँ मैं आरटीओ पे अपना टेस्ट देने के लिए, जो होता है हमारा कंप्यूटर पे उस टेस्ट को देना है। मीत और अभी आयुष निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, हम उन्हें वहीं मिलने वाले, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वहीं पे। पहुंच चुके हैं मीत के घर पे, आयुष और मीत शायद ऊपर ही जा रखे हैं, ये उनका घर है वहाँ पे। हम सभी आए थे ऋषु भाई, अभी हम वेट कर रहे हैं उन सभी का। थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, इस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तुम्हारा भाई हेलमेट पहन रखा है क्योंकि वहाँ पे जहाँ हम जा रहे हैं आरटीओ पे बिना हेलमेट के वहाँ पे कलेश हो जाएगा। काफ़ी सारे चौक्स हैं यहाँ मीत का घर है, तो आते हैं जल्दी से, फिर निकलते सीधा आरटीओ की तरफ। वहीं दिखाते हैं तुम सभी को क्या अपना सीन है वहाँ पे जाके, पूरी प्रक्रिया दिखाऊंगा टेस्ट में क्या क्या पूछा, कैसे रहा कैसा नहीं। A few moments later. तुम्हारा भाई आ चुका है आरटीओ पे जो अपना देहरादून पे, ये रहा सामने पे, हम सभी आ चुके हैं यहाँ पे। ये कौन सा सिल्वर सिटी के जस्ट हल्का सा आगे चल के ढलान है, ढलान से उतरते ही आगे जाके आरटीओ है, यहीं पे जाके अब टेस्ट देना है हमें। लो भाई अब व्लॉगिंग तुम करोगे, कैमरा इनके पास रहेगा और अब मैं जा रहा हूँ अंदर। फोन कहाँ दे भाई, हम तो इसके साथ अंदर जाएंगे देख, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सीटिंग कौन कराएगा, यही तो दिक्कत है। अबे फोटोकॉपी कहाँ पे होती है, तू फोटोकॉपी ना ना अच्छा बोलिया पहले फोटोकॉपी। सही से बता, देख तू डर लग रहा, देख झूठ मत बोलिए, तो नहीं लग रहा ऐसा, लेकिन एक चीज से लग रहा है जो देखो भाई फट ओए नहीं ब्लॉक पे साले घर वाला। मैं बताता हूं किस चीज से डर लग रहा मुझे, पता है किस चीज? खाली वो क्वेश्चन मतलब अंडरस्टैंड तक ना आ जाए इधर-उधर वाले अंडरस्टैंड के। जब ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे सर, जब ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे सर, रूल रेगुलेशन कुछ पता है नहीं है, क्यों बना रहे ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं नहीं अच्छा दोस्तों के हाथ में कैमरा पकड़ा तो चेक भाई आरटीओ यही है ना, पहले ये बताओ तुम अंडरसन तो नहीं जा रहा ना? हमें गार्डन में बैठ के हम झूम लेंगे, कोई शर्म नहीं आई अभी। मैं सोच रहा कितनी शर्म आती है ब्लॉग बनाने में, माँ कसम नहीं आ रही। ये लाइन है, ये लाइन है, जीरो भी शर्म। पूछ ले किसी से, कक्षा संख्या 9 तो उस पर लिखा होगा तेरा कौन सा है, इसका तो कक्षा संख्या 6 होगा। छह नहीं होगा तेरा, अच्छा उस हिसाब से मिल रहा है भाई। जहाँ धूप भीड़ काफी, रोकड़ साका, अबे ऊपर पढ़ लेना लाइसेंस। आरटीओ तो है, आरटीओ है ये, दर्द उनका आरटीओ लिखा हुआ, नंबर नंबर लिखा रहता है क्या? देखा मैंने बोला था ना लिखा हुआ, अन ट्रेन के साथ आए हैं जिसे कुछ पता है। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हो, तुम्हें दिख रहा होगा। सच बोलिए, झूठा बोलिए, थका ना भाई यार। हाँ तो यही तो बात है, तभी तो भाई एक्सपीरियंस चेंज है के लिए भी, वही तो बात है। अब आगे जाने हमें, आगे लाइन लग रखी है, घबराहट हो रही, पकड़ ले रिवीजन कर ले देख। अभी यहाँ से क्या, अभी रिवीजन है, रिवीजन जिसको जैसे तुम तुझको आया नहीं का नहीं अच्छा। तो तू तो रिवीजन यहाँ करेगा। अच्छा एक रुपया रुक जा है, एक एक वो ले मेरे लाइन को, तो लोगों
लाइन पे। अबे यार एक एक बंदा लाइन पे लगेगा इसके लिए, एक बंदा व्लॉग करेगा इसके लिए, एक बंदा इसके कपड़े पहनेगा। हम तो हम जा रहे हैं, चले भाई छोड़ दे यहीं। अरे चल चल तू बता, देख सिग्नेचर है ये, वो साइन है ये, उन्हें तो पता है पर तुझे नहीं पता ना। हॉर्न हॉर्न वाले चेतावनी के वाले एक वाला भी तो रहता है, एक लड़की बनी रहती है उस पे वाला नहीं रहता साइन। दो बच्चे हैं, बच्चे वो बच्चे का स्कूल वाला होता है वो। अच्छा मेरे को लगा लड़की से दूर रहो, स्कूल है तो यही लगता था भाई। आ गया तो मैं कर दूंगा ऑप्शन अपने आप बना के। कंपटीशन पे आता हूं यहां ऑन द वे, ऑन वन वे ट्रैफिक। सही से बता दे, वन वे ट्रैफिक गिव अवे, स्टॉप रुक जा, यू टर्न प्रोहिबिटेड और नो पार्किंग। तो कौन लग गया अपने तेरे कंपटीशन में? कोई नहीं है। अरे नहीं सर, ब्लॉगर में ऐसे बहुत सारे हैं, देहरादून पे ही है वो, है ना कितने सारे। हां यूके बहुत सारे हैं, यूके 07 वो तो फिर थोड़ा हाई लेवल पे, कोई नहीं मुश्किल लेवल पे आएगा अभी जल्दी। अबे वो तेरे लेवल पे आएगा। अच्छा भीड़ काफी ज्यादा है यहां पे। हां यार भीड़ बढ़ती जा रही है गाइस, इतने ध्यान से इन्हीं पे प्रॉपर उसके देखते हुए मैं टेस्ट देने जा रहा हूं। ऐसा लौंडे क्यों आ रखा है पता नहीं, बनवाने आया हूं मैं एडवर्टाइजमेंट पे। आओ जल्दी आओ, देखते हैं घुमानी है, घुमाते यहाँ से घुमा के दोबारा न्यू लानी, घुमा के पूरी घूमती हूँ बेटे। और बता यार हम क्या करें, हम तो आए हैं बस इसके साथ। आज का कंटेंट निकाल दे बता आज ये, और क्या कंटेंट है? एक अपना बॉलिंग वाला अलग व्लॉग बनेगा, उसका गाइस अलग व्लॉग बनाएगा, उसका अलग बनाएगा, दो व्लॉग निकालेगा आज। अरे भाई भाई की मेहनत है, भाई के लाइक करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब मत करो, सिर्फ लाइक देख लिया करो बस, देख लिया करो, इतने में बहुत है, हमें संतुष्टि है। सही बात भाई, देखो मजा आ रहा है तभी देखना। हाँ नहीं आ रहा तो आप बताओ कमेंट से, बताओ कि मत देखना, मत देखना भाई। मैं चौड़ा कैसा व्लॉगर है बेटे, भगाना हाथ दर्द हो रहा है। चल यार हम आगे चलते हैं, ये होता है जेब्रा क्रॉसिंग ना सरम। अब जो मुझे पता नहीं, मुझे सरम नहीं आ रही भाई, ये तो नहीं आती, कैमरा लेके चलेगा हमें तो पहली बार है। हाँ नहीं आती पहली बार, स्टार्टिंग पे लगता है, एक बार भीड़ पे करेगा ना थोड़ा, जहाँ क्राउड अच्छा खासा होगा वहाँ आएगी सरम। पता अब नहीं आएगी, अब तू लग रहा है ना, अब तू कर रहा है। नहीं मेरे को अंदर स्टार्टिंग से नहीं आती, अंदर नहीं ऐसी शर्म नहीं आती लोगों के सामने। पर अपन जैसे मैं किसी पर क्या किसे पूछ के मान जाऊंगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा। और चार लाइन पे लग गए, टेस्ट खाली मेरे को देना, लाइन 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 लंबी, मैं गाड़ी सीख लूंगा, टेस्ट पहले ले लो। ऐसा नहीं हो सकता यार, मैं भी ये सोचा था पहले, मुझे गाड़ी चलाने कार तो आती थी पर डॉक्यूमेंट नहीं। कोई नहीं, दिक्कत नहीं है इसमें, लगती है 10 की मार्कशीट, आधार कार्ड और आपको जो वहाँ पे भरवाओगे लंदन के लिए वो यहाँ पे आना पड़ता है बस। मेरे नहीं और काम है, मेरे नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता तेरा ये उसके, कोई नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, दिक्कत नहीं होती, कुछ ना फर्क यहाँ का नहीं हूँ ना मैं तो, बन जाएगा फिर भी दिक्कत नहीं आती उसके लिए। तो भाई सभी तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये हमारा स्लॉट नंबर है यहाँ पे, कमरा नंबर यहीं से होगा जो होगा। तो भाई फाइनली हमने आ चुका हूँ अंदर यहाँ पे, ये ऋषभ बैठे हुए हैं, यहाँ पे होता है फोटोग्राफ वाला सिस्टम पूरा, बैठ के आप फोटो खिंचाते हो यहाँ पे, मेरी फोटो आने वाली है, व्लॉग जाएगा मेरा इन लोगों पे, फिर उसके बाद मुझे भेजा जाएगा किसी रूम नंबर पे, वहाँ पे फिर होगा आगे। ये पकड़ो ऋषभ भाई फोन, भाई ये फोटो खींच तो चुके हैं अभी, बस अब हम रूम नंबर 30 की, ये 20 यहीं चल रही है, ये तो नहीं है पीछे देख, ये है 14 30 नंबर 28 काफी कंफ्यूजिंग है सामने, ब्लॉक सी ब्लॉक सी ब्लॉक ई, ये अप्लाई कर सकते हो। भाई यहाँ रूम नंबर ही पता नहीं चल रहा है, हम इतने अनपढ़ गाँव आ रहे हैं, हमारी कॉमन सेंस की माँ बहन है क्या, क्या मैं रूम नंबर ही नहीं पता चल रहा है। एक तो स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है कि रूम नंबर वाला, यहाँ से पता चले रूम नंबर देख कर, ये बनेगा एक गेमिंग रूम इनके लिए जो यहाँ काम करते हैं उनके बच्चों के लिए। इसको एक प्रक्रिया में घुमा दिया हमने पूरी आगे, बस अब यह टेस्ट का यानी क्या होगा, यहाँ अंदर टेस्ट, अंदर टेस्ट होगा, गेम खेल रहे फट गया हाथ पा गई, घर वाले को फोन आया तो है। अबे हुआ क्या, ओए है तो बहुत कुछ बोल रहा था यार, क्या क्या हो गया, ये हो जाएगा, ये हो, ये कर दूंगा, वो बोल दूंगा, क्या हो गया, फट के हाथ पा गई थी, कौन से लेके था बोल बोलना, अरे तो कॉल नहीं करता था भाई तब तक, भाई ये उड़ता ये कर लूंगा वो बोल दूंगा, घर वाले को बोल दूंगा, टाइम से आराम से दो गाली और खा लूंगा यार, यहाँ पे बोल रहा है तैयार से आ जाऊंगा 2 बजे तक साल। एक नंबर का टोपी वाच, टोपी वाच
ब्लॉगर अभी आए हैं नहीं टेस्ट दे के। One eternity later. अगर वो नंबर 29 जाना है। बता टेस्ट कैसा हुआ? अभी टेस्ट थोड़ी क्या था? इंफॉर्मेशनल थी। है? घर से पढ़ के आया था। तूने घर से पढ़ के आया था? कैसे? अभी अपने जनता को तो बता। इन्होंने फिर बिठाया मुझे हाँ। और वहाँ पे टैप टैप था टैप पे बैठा टैप पे ना हाँ तो नहीं था ऐसे नहीं था। एक वीडियो देखी पहले, सबसे पहले आपको दिखाएगा नाम लिखाएगा और वीडियो दिखाएगा, उसी के बेस पे क्वेश्चन होता है कि उस लड़के के साथ कैसा हुआ कैसा नहीं, उस बेस पे क्वेश्चन देता है। इजी है वो तो हो जाएगी। तो मैं अपना ओपिनियन देना उन क्वेश्चंस पे। एमसीक्यू होता है कि तुम्हारे हिसाब से ये सही हुआ है। क्या ओपिनियन दिया तूने? चल तू बता। एक लड़की आ गया है ठीक है, ऐसा नहीं होता। नहीं अबे हमारे ओपिनियन बता। एक बैठाया सामने वाले ने चेन खोल। एक ओपिनियन बता। एक लड़की आ गया है, एक लड़की आ गया, उसको क्या बोलेगा? मतलब ब्रेक मारेगा तू? ये टेस्ट देने चले गया। अब ऐसे असली टेस्ट अब ली जाएगी, इसकी फेल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तैयार है फिर हमें दोबारा कंटेंट मिल जाएगा ना। अभी टेस्ट चल रहा है कंप्यूटर। ये तो आसान टेस्ट है पता है, ये तो पढ़ाई हो पढ़ाई क्या कॉमन है। फाइनली मैं आ चुका हूँ टेस्ट देके बाहर और यार एक नंबर से रह गया मैं। एक नंबर से फेल, मतलब ऐसा हुआ ना लास्ट पे दो थे दोनों में से अब एक नंबर से रह गया भाई। और एक नंबर से आठ नंबर थे नौ पास होते हैं अभी हम। ओह शिट यार लड़की छोड़ के तो दिक्कत हो गई। 15 नंबर से फेल। क्या पड़ता? ये इसमें आपको हमारा ब्लॉग बढ़िया लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब इस और मजेदार ब्लॉग देखने के लिए। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ऐसी प्रक्रिया अब मुझे 7 दिन के बाद आना है, यानी 8वें दिन मेरे को यहाँ आना है, उसके बाद फिटनेस देना है, उसके बाद होगा फिर देखेंगे भाई। गाइस आई होप लाइक द वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से कहीं और के लिए, थोड़ा से और ब्लॉग बनाने, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।